आप बच बच के अपनी सजाओं से निकलते रहे, तो ये प्रैक्टिस इस तरह चलती रहेगी और कभी भी जालिम को उसकी उसका इल्म नहीं होगा कि वो उस मतलब कोई भी जुल्म कर सकता है, और वो ये सोचेगा कि जी इस तरह तो लोग बरी हो जाते हैं, बेइज्जत निकल जाते हैं, तो बस करो कुछ जो भी कर सकते हो। गरीब कब तक इस तरह पिसता रहेगा और कब तक हम आंखें बंद करके देखते रहेंगे? मैं और आप भी इसमें जिम्मेदार इसलिए कि हम खामोश तमाशाई बन के देख रहे हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू यू नो टेक दिस थिंग अप टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। मैं कोशिश करूंगा अपने थ्रू सो माई सोशल मीडिया एंड जितने मेरी मेरे वसाइल हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कि मैं इस चीज़ को ज़रूर उठाऊं और मैं लोगों से बात करूं कि ऐसा क्यों हुआ है। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे इसमें। इतनी ज़्यादा तकलीफ दे बात थी, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका दिमाग बिल्कुल हिला के रख देती हैं। जिस तरह छोटे बच्चों का बच्चियों का रेप हो जाता है और उनको मार दिया जाता है, अभी तक मुझे अफसोस है कि सोसाइटी में ऐसे लोग, बात करता हूँ तो मुझे जो है ना मेरा जैसे कि कितनी हम अजीब लोगों की दुनिया में रह रहे हैं। और ये अफसोस की बात है, कोई ये किसी गांव या किसी ऐसे रिमोट एरिया की कहानी नहीं है। Just hang on for a second. I think there's someone, my driver. का इलाका हो या गैर जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं उनकी, ये बिल्कुल हमारे शहरों की कहानी है। अब बज़ाहिर जो लोग आपको इंसान नजर आ रहे होते हैं, मैं तो उनको इंसान भी नहीं कहूँगा, जो इतना ब्रूटल जिनका जिनका एक्ट हो जाता है कि आप उनको इंसान तक नहीं कह सकते, मुसलमान तो दूर की बात। और हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हर चीज़ को गवर्नमेंट पे डाल देना, हर चीज़ को पास के लोगों की बात है, और कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं। तो बहुत बहुत अफसोस हुआ है आज मुझे इस बात का कि मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी रहता हूँ सोशल मीडिया से और इन चीज़ों से, कि खबरें शबरें मैं नहीं देखता हूँ नॉर्मली, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये खबरें और सारी चीज़ें बहुत डिप्रेस करती हैं। तो मैं नॉर्मली अखबार भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया और मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज जब भी मैं न्यूज़ लगाता हूँ तो मुझे कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे मैं बहुत हर्ट होता हूँ और मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। लेकिन जब ये बातें आपको सुनने को मिलती हैं और आपको पता चलती हैं, तो आपको एहसास होता है कि यार नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई थिंक वी शुड स्टैंड अगेंस्ट दिस क्रूल्टी एंड वी शुड रेज आर वॉइस अगेंस्ट दिस इनहेनस क्राइम विच हैपन इन लाहौर, एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग अगर हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और अगर हमने इसको नहीं, इसके अगेंस्ट कुछ बोले। तो स्प्रेड दिस थिंग आउट के सराहने वाला तक जो बरसर अकदार हैं उन लोगों तक पहुँचे, कैसे नहीं चलेगा। अगर किसी गरीब के साथ कोई चीज़ बुरी होती है तो हम सबको उसके लिए, क्योंकि उस बेचारी गरीब बच्ची के तो ना, फॉर आर नेशन, दैट एनी बडी हु इवन थिंक्स ऑफ डूइंग एनी थिंग रॉन्ग अगेंस्ट किसी भी गरीब के या कुछ, तो वो करने से पहले 10,000 दफ़ा सोचे और वो फिर वो ना करे। एंड थैंक यू सो मच फैन पेज इरान एंड शकील फैज़, आर यू हाफ अरब एवर मोर 0786? नो आई एम नॉट हाफ विद यू, दैट देर आर सो मैनी पीपल इन माई फ्रेंड लिस्ट, पीपल हु आर फॉलोइंग मी, एंड वेन एवर आई पोस्ट समथिंग एनी थिंग, 100 लोग अच्छे होंगे उसमें से एक, बिकॉज वो एक रिकॉर्डेड, मैंने लिखा है कि इट्स बीन रिकॉर्डेड इन साउंड मास्टर स्टूडियो, वो एक रिकॉर्डेड चीज़ है जिसपे हम उस वक्त आकर सिंग कर रहे होते हैं। इट्स जनरल प्रैक्टिस मीडिया में, ऐसे ही होता है जब आप हर कुछ लाइव आप नाते कर रहे होते हैं, कुछ अरेंजमेंट म्यूजिक किस तरह की होती है जिसपे आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करा के उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और आप वहां सिंग कर रहे होते हैं आपकी आवाज, तो इसमें कोई नो बिग सरप्राइज, क्योंकि रॉकेट साइंस में इन्वॉल्व नहीं थी कि अरे ये आपने क्या कर दिया उसमें, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इट वॉज अ सिंपल थिंग, इट वॉज अ लिप सिंक सॉन्ग, एक रिकॉर्डेड चीज थी उसके बारे में हम सिंक कर रहे थे, लेकिन उस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो आपकी आवाज़ ही नहीं है, ये तो आप सिंक कर रहे हैं और ये किसी और की आवाज़ है, माहिर जैन की आवाज़ है, किसी टर्किश सिंगर की आवाज़ है। अरे यार मतलब गैर लाइफ क्या हो गया। तो आई डोंट नो, अप्रिशिएट व्हाट आई डू और डजंट एक्नॉलेज, एंड प्लीज डोंट फॉलो मी, आई डोंट नीड योर फॉलोइंग।
मेरे पास अगर दो लोग भी होंगे एंड इफ दे आर द जेनुइन फॉलोअर्स एंड इफ दे लव मी आई रिस्पेक्ट देम, और मेरे लिए वही बहुत है. इंस्टेड ऑफ लाइक हैविंग 2.4 मिलियन जिनमें से आधे जो हों वो बदतमीजी मुझसे करें, तो ये मैं अलाउ नहीं करूंगा अंडर माई पोस्ट और इन माई प्रोफाइल, इन माई फॉलोअर्स और एट माई प्रोफाइल. नेगेटिविटी बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और नेगेटिव लोगों को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ. सो आपको अच्छी भी लगे बात या बुरी लगे, लेकिन उन्हीं को बुरी लगेगी जो खुद बुरे होंगे. बाकी सब मिसला आवान लिख रही है कि प्लीज़ इग्नोर दोज नेगेटिव पीपल, या बाकी लोग हैं हु आर सेंडिंग मी लव एंड हार्ट्स एंड फ्लावर्स एंड सो मेनी थिंग्स.